8000 ज्यादा वोट पाने से अनिल पाटनकर जी चुनाव जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुद्दा होगा, लोगों की जो समस्या है, लोगों का जो काम है किस प्रकार होगा। अनिल पाटनकर जी इस विभाग से पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं, जनता ने इसीलिए चुनकर दिया है क्योंकि ये अपने काम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और इन्होंने काफी विकास किया है। आइए अनिल पाटनकर जी से जानते हैं क्या विकास होगा, क्या मुद्दे हैं, जनता की जो समस्या बची कुची है उसे किस तरह पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, CNU चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप, चुनाव जीत चुके हैं, क्या कहेंगे आप? CNN चैनल का मैं भी धन्यवाद करूंगा कि मुझे प्रचार के दौरान भी आपने, मेरा प्रचार किस तरह चल रहा था आपने खुद अपने आंखों से देखा, जो जनता मर पड़ी थी मेरे साथ में, यहाँ के जो लोग, मेरे कार्यकर्ता, जो जिस तरीके से प्रचार में उन्होंने सहयोग दिया, तो आपने खुद अपने आंखों से देखा और अपने आपके माध्यम से द्वारे आपने लोगों को दिखाया कि बाबा कितना सैलाब हमारे साथ उमड़ पड़ा है, तो इसके लिए आपका भी धन्यवाद दूंगा। और भारी मतों से इसके लिए जीत के दिया है कि यहाँ काम करने वाला व्यक्ति को लोगों ने नज़र में रखा, और दूसरी बात कि यहाँ की ताकत, जो शिवसेना पक्ष के पीछे जो लोगों की ताकत है, ये दो जब काम और शिवसेना एक हुई, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आज ही नहीं अगले भी 50 सालों में यहाँ कोई हिम्मत करेगा कि हमारे सामने खड़े रहे, हम लोग हमारी पार्टी के सामने खड़े रहने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। और काम काम से तो काम तो करना, अभी देखो और एक महीना जाने दो, सब दुकानें बंद हो जाएंगी, मगर जो शाखा है शिवसेना की ये ऐसे ही, अभी आप आने वाले, मुझे भी मालूम नहीं था आप आने वाले, मगर हमारी हर जो वीकली या मासिक हम लोग की जो सभाएँ होती है, कुछ फंक्शन, सभी शिव जयंती आई है तो उसके हर वजह से हम लोग की एक मीटिंग होती रहती है, हमारे सब शिवसेना शाखा प्रमुख, उप शाखा प्रमुख, गट प्रमुख के माध्यम से हमारी एक बैठक होती है कि जनता में अभी क्या करना चाहिए, कौन सा काम लेके जाना चाहिए, तो उस वजह से हम लोग आज इकट्ठा हुए। तो ये हमारा सिलसिला ऐसा ही चलते रहता है। अभी इलेक्शन तो अभी हुआ है, अभी महापौर चुने गए मुंबई के, हमारे पास अभी 5 साल और है, मगर नहीं हमारा काम शुरू हो गया है। तो काम बहुत से विकास के बारे में, घाटले में बहुत सा विकास हुआ है और बहुत सा होना बाकी है, जिसके जरिए जनता के काम करके, जनता का सेवक जो उन्होंने चुन के दिया है, तो जनता ने चुन के दिया हुआ नगर सेवक जनता का सेवक बन के जनता में रहने का है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मुंबई का या चेंबूर का घाटला गांव शिवसेना का गढ़ माना जाता है, काफ़ी शिव सैनिक यहाँ पे रहते हैं। अगर प्रचार के समय, इलेक्शन के दौरान अगर देखी जाए तो इनके, अनिल पाटनकर जी के साथ काफ़ी जैन सैलाब थे, काफ़ी लोग देखे जा रहे थे, लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि अनिल पाटनकर काफ़ी भारी बहुमत से जीत सकते हैं और अनिल पाटनकर काफ़ी भारी बहुमत से चुनाव जीत चुके हैं। आइए उनसे और चर्चा करते हैं। सर, क्या कहेंगे, यहाँ का जो डेवलपमेंट की बात अगर की जाए, यहाँ के झोपड़पट्टी के विकास की बात की जाए, तो किस तरह यहाँ पर विकास होगा? अगर डेवलपमेंट की बात की जाए झोपड़पट्टी की, तो झोपड़पट्टी तोड़ के वहां भी बिल्डिंग बनानी चाहिए, इस मुद्दे पे क्या कहना है आपका? अभी देखा जाए तो पिछले दो वक्त जो विकास आराखड़ा मुंबई का आया, तो उस आराखड़े के हिसाब से जो डेवलपमेंट होना चाहिए इस मेरे वार्ड का, तो हो नहीं सका है। हमारे यहाँ 50% का आरक्षण है, जिसके ऊपर, मतलब जो आरक्षण से उसके ऊपर लोग रहते हैं, उसमें मैदान भी आ गया, गार्डन्स भी आ गए, यहाँ एक कोर्ट का रिजर्वेशन भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, नर्सिंग होम है, ऐसे बहुत से रिजर्वेशन है जो वहाँ आज लोग रहते हैं, बसे हुए हैं, इंक्रोचमेंट हुआ है, 50% का आरक्षण वैसा है। तो अगर हमें विकास चाहिए और तो एक साथ विकास की ज़रूरत है, नहीं तो अगर हमारे 50% अगर विकास होता है और 50% में हम लोग डेवलपमेंट में जाएंगे, तो जहाँ विकास होने वाला है, जहाँ के रास्ते, एक भी रास्ता घाटले का जो इंटरनल रोड है, छोटे छोटे जो रोड है, तो एक भी डेवलपमेंट का रोड, DP रोड नहीं है, ये सब पहले की पगडंडी थी जिसको आज रास्ते में रोड बनाया गया, मगर DP एरिया रोड होना चाहिए वैसा एक भी रोड नहीं है, तो वो सब डेवलपमेंट है। और लोगों को साफ सुथरा अच्छा घर चाहिए, तो हमें क्लस्टर की ज़रूरत है, सामूहिक विकास की ज़रूरत है, ना कि 100-200 झोपड़ी बनाएगा फिर डेवलपमेंट बाकी का ऐसा ही रह जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं। आज घाटले को क्लस्टर डेवलपमेंट की ज़रूरत है और वो हम चाहते हैं, और उसी के माध्यम से अभी हमने जिस दिन हम चुन के आए, लोगों ने जब सत्कार के लिए बुलाया, तो सत्कार में हम उनको धन्यवाद देते थे और हम यही कहते थे लोगों की कि नहीं, अभी हमारा काम घाटला विकास,
छोटी छोटी ये जो नाले है, छोटे छोटे गटर बनाओ, छोटी छोटी जो नुक्कड़ गलियां है उसको हम कितने साल सुधारते बैठेंगे। उससे अच्छा घाटले को एक साफ सुथरा घर के लिए विकास की तरफ से अभी हम हमारा अब अगला कदम जो घाटले के विकास के लिए जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए प्रांति की बात करें तो हर किसी का एक ही कहना था कि शिवसेना मुंबई में आना बहुत जरूरी है, शिवसेना पार्टी के कैंडिडेट जिताना बहुत जरूरी है और शिवसेना के महापौर बनना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई में अगर कोई डेवलपमेंट कर सकता है, सत्ता में रह के लोगों का विकास कर सकता है, लोगों के लिए अगर लड़ाई कोई लड़ सकता है तो शिवसेना पार्टी है। और जनता ने अपना फैसला शिवसेना पार्टी के पक्ष में किया, सबसे ज़्यादा सीट महाराष्ट्र मुंबई में शिवसेना पार्टी की आई है। आइए अनिल पाटनकर जी से जानते हैं, सर क्या कहेंगे, आपके इस विभाग में काफी युवा रहते हैं, युवाओं के बारे में आपने क्या सोचा है, किस तरह इनका आगे का विकास करने की कोशिश करेंगे? युवाओं का तो विकास करना ही है, युवाओं के लिए हर माध्यम से हमारा प्रयास रहता है, स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, उनके पढ़ने पढ़ाई के माध्यम से हो, बेरोजगारी के माध्यम से हो, हर माध्यम से हम लोग हमारा प्रयास जारी रहता है। आज भी युवाओं को सामने नजर रखते हुए हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उनके लिए उपलब्ध करके दी जाए। हालांकि मैं पिछले बहुत से सालों से कामगार क्षेत्र में यूनियन के माध्यम से मैं काम करते आया हूं, तो मुझे वहां की भी समस्या की जानकारी अच्छी तरह है और युवाओं के बेरोजगारी के बारे में भी मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। तो जितना भी हो सके युवाओं के लिए, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए और महिला बचत गट, आपको एक मैं और एक बात बता दूंगा कि जेंडर बजट के माध्यम से मैं बोलूँगा कि पिछले 5 साल में अगर आपने मुंबई या मेरे हमारे वार्ड का अगर सर्वे किया तो ज़्यादा से ज़्यादा महिला को लाभ देने का काम हमने यहाँ से किया है, बचत गट के माध्यम से किया है। शिवसेना का जो अभी बचत गट की बड़ी जो एक संगठन स्थापित हुए जिनका नेतृत्व हमारी भाभी रश्मि वहीनी करती है, तो उनके माध्यम से भवानी बैंक के माध्यम से भी महिलाओं को रिक्शा की शिक्षा दी, रिक्शा चलाने की शिक्षा, उनके ऊपर लाइसेंस और परमिट के माध्यम से उनको रिक्शा कर्जा के ऊपर रिक्शा उपलब्ध करके महिलाओं को भी सबला, हम बोलते हैं नारी सबला है, उसको ताकत देनी चाहिए तो ताकत देनी चाहिए, खाली बोलने का काम नहीं करते हम लोग उसके ऊपर भी हमने अमल शुरू किया है। बचत गट इतने बचत है घाटले में, कम से कम 300-400 के ऊपर बचत गट से, उसमें से बहुत सारे बचत गट को हम जेंडर बजट के माध्यम से कॉरपोरेशन का हो, फिर राज्य सरकार के केंद्र के माध्यम से हम उन्होंने उनको कुछ ना कुछ उद्योग के लिए जो निधि महानगर पालिका और या सेंट्रल से जो लोगों को खड़ा महिलाओं को खड़ा होने के लिए जो निधि लाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे गटों को हमने उसकी भी व्यवस्था की है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस वार्ड की, चेंबूर की, तो काफ़ी मशहूर ये वार्ड है, काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी जनसंख्या वाला इलाका है, लेकिन अनिल पाटनकर जी का कहना है आने वाले दिनों में महिलाओं को किस तरह सुविधा मिल सके, महिलाओं के लिए किस तरह मुहिम चालू की जा सके, युवाओं को किस तरह साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी, यहाँ पर काफ़ी विकास होगा आगे चलकर, ऐसा अनिल पाटनकर जी का कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि महापौर कौन बनेगा और महाराष्ट्र मुंबई में शिवसेना पार्टी के महापौर बन चुके हैं। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़ मुंबई।